ऑल राइट गाइज, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ गैस स्टेशन सिमुलेटर। तो गाइज, लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने यहाँ पर एक कार की जो रिपेयरिंग की वर्कशॉप थी उसको अपन ने लॉक कर दिया था, और यहाँ पर अपन ने काफ़ी सारी गाड़ियों को रिपेयर भी किया था। और यहाँ पे भाई एक सेकेंड, कुछ ज़्यादा ही हालत ख़राब हो रखी है इस जगह की। ज़रा अपन सारे टायर्स वगैरह जो है इनको अपन पिक कर लेते हैं। ओह माय गॉड, कुछ ज़्यादा ही कचरा हो रखा है यहाँ पर। अपन सब कुछ यहाँ पर बैग के अंदर भर लेते हैं, इसको अपने को ना फेंकना पड़ेगा भाई सुबह। ऑल राइट, यहाँ पे सब कुछ इसके अंदर पैक हो चुका है अभी। एंड लेट मी चेक, क्या मैं इस डब्बे को, तो चलो अभी फेंक नहीं सकता है मैं इस बैग को। अभी इस वाले बैग को उठाते हैं और इन सारे के सारे बैग्स को जो है ना अपन यहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं। एक मिनट रुक जाओ ज़रा भाई, गिर क्यों नहीं रहा इसमें। भाई मैं ना थोड़ा बहुत गेम खेलना भूल चुका हूँ ये वाला, क्योंकि भाई काफ़ी टाइम हो चुका है मेरे को इस गेम को खेले हुए, क्योंकि तुम लोगों ने मना कर दिया था। लेकिन मैं इस सीरीज को जो है अपने तरीके से जो है ग्राइंड करके खत्म करना चाह रहा हूँ, क्योंकि वह यहाँ पे मैंने कचरा तो साफ कर दिया है। लेकिन गाइज अभी जो है अपने को, एक सेकंड भाई, यहाँ पे केले वेले कौन फेंक के गया है भाई? मेरे इस गैस स्टेशन में हो क्या रखा है भाई? आखिर पता नहीं कितना कचरा पड़ा हुआ है ब्रो यहाँ पर। रुको जरा अपन, अरे इसकी भैंस की आंख भाई, यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही कचरा हो रखा है। जरा अपने सारे के सारे कचरे को होने के बाद मैं क्लीन कर देता हूँ फटाफट से भाई, ये बहुत ज़रूरी होने वाला है, नहीं तो बदबू आएगी ना, तो जो लोग कस्टमर्स वगैरह आएंगे ना भाई, वो भाग जाएंगे, बोलेंगे कि भाई यहाँ पे ना अपने को गंदे गंदे जो है ना कमेंट्स करेंगे इसके अंदर आके कि भाई ये है गंदगी हो रखी है, बदबू आ रही है, फलाना ढिमकाना। इसलिए जो है ना अपने को सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पर। अभी मेरा गैस स्टेशन बंद पड़ा हुआ है, यहाँ पर थोड़ा बहुत सामान जो है वो स्टॉक में तो है, लेकिन भाई साहब एक सेकंड, पिकअप और प्लेस का क्या बटन दिखा? ओके तो ठीक है, यहाँ पर मैं ज़रा ये सारे के सारे जो चीज़ें हैं उनको प्लेस कर देता हूँ, थोड़ा बहुत धीरे धीरे करके वापस मैं समझ रहा हूँ इसको। एंड भाई फ़िलहाल के लिए तो अपना काफ़ी छोटा सा लग रहा है गैस स्टेशन, नहीं एक ही पंप है हमारे पास में, सब कुछ अपग्रेड अपने को करना पड़ेगा। और हालत देख रहे हो तुम हमारे इस गैस स्टेशन की भाई, इसको अपने को ना रीपेंट करना पड़ेगा, ठीक है? तो इसको अपन बढ़िया कलर का पेंट करेंगे। और एक सेकंड रुक जाओ ज़रा, अपन यहाँ चलते हैं कंप्यूटर में और हमारा जो अपग्रेड्स वगैरह ना भाई, इसको अपन पूरा करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे गैस स्टेशन का लेवल 2 हो चुका है, लेवल 3 मेरे को अपग्रेड करना पड़ेगा अभी यहाँ पर, तो $700 का खर्चा आने वाला है, ठीक है? यहाँ पर हमारे न्यू टूल्स अनलॉक होने वाले हैं, न्यूमैटिक हैमर, एम्प्लॉयज़ अनलॉक होने वाले हैं, ठीक है? एंड एडिशनल फ्यूल डिस्पेंसर भी यहाँ पर आ जाएगा। तो भाई $700 लगाते हैं फटाफट से और इसको करते हैं अपग्रेड, लेट्स गो। यहाँ पर हमारा गैस स्टेशन हो चुका है लेवल 3 का, और आई थिंक पहले से ज़्यादा बड़ा हो जाएगा अभी हमारा गैस स्टेशन यहाँ पर। ओके तो अभी करंट टास्क जो है, रिकंस्ट्रक्ट द बस स्टॉप इन द फ्रंट ऑफ योर स्टेशन। ओके दिस एक्शन माइट हैव डायरेक्ट एंड इमीडिएट कॉन्सिक्वेंसेज, गेट रेडी। ओके तो अपने को बस स्टॉप जो है उसको रिकंस्ट्रक्ट करना है। एक सेकंड रुको, तो कहाँ पर है भाई ये? यहाँ पे बस स्टॉप होना तो चाहिए है, बट आई थिंक शायद मेरे को कंप्यूटर से ही सारा काम वगैरह जो है ना करना पड़ेगा यहाँ पर। और एक बार ना मैं मेल्स वगैरह भी चेक कर लेता हूँ, मेरे पे ना बहुत ज़्यादा मेल्स वगैरह आ रखे हैं भाई, किस किस के। गैस स्टेशन का मेकओवर आ रखा है और वर्कशॉप एंड ऑर्डरिंग स्पेयर पार्ट्स, सारे कितने वो आते रहते हैं भाई यहाँ पर, ठीक है भाई नहीं चाहिए मेरे को। फीचर्स में चलते हैं, अदर में चलते हैं, आई थिंक यहाँ पर शायद से जो है अपन उसको अपग्रेड करने वाले अभी। यहाँ चलते हैं पार्किंग का, ये हो गया टॉयलेट का, ये हो गया ओके तो अपन यहाँ पे एक फ्यूल डिस्पेंसर लगाने वाले हैं नेक्स्ट लेवल। ओ भाई ये तो काफ़ी बढ़िया चीज़ है। अभी मेरे पास यहाँ पे $1200 हो रखे हैं, एक और फ्यूल डिस्पेंसर मैंने लगा दिया है, और वैसे ज़रूरत थी नहीं इसकी लग रहा है मेरे को ना। अबे यार वो नहीं लगाना था मेरे को, ये करना था यहाँ पे बस स्टॉप का रिकन्स्ट्रक्शन करना था। चलो ठीक है, इसको मैंने कर दिया यहाँ पे, वेरी नाइस। और क्या बचा हुआ है भाई? पार्किंग भी अनलॉक करनी पड़ेगी क्या अभी मेरे को? अभी तो फ़िलहाल नहीं कर रहा, मैंने सब कुछ कर लिया जो भी बचा कुचा था। सर्व ऑल द बस कस्टमर्स एंड वेट फॉर इट टू लीव। अच्छा तो अभी बस से जो ना कस्टमर्स वगैरह आने वाले हैं, जरा मैं फटाफट चलता हूँ हमारे। ओ एक सेकंड, सुबह भी हो चुकी है भाई, चलो ठीक है ठीक है। अभी उसको ना मैं ओपन कर देता हूँ यहाँ चल के, एंड अभी जो है ना कस्टमर्स वगैरह यहाँ पर आने लगेंगे, ताकि अपन जो है ना पैसा वैसा भी कमा सके भाई यहाँ पर। आवाज़ किस चीज़ की आ रही है भाई? कोई तो यहाँ पर पोंपों कर रहा है भाई। एक सेकंड रुको ज़रा गाइज, मैंने एक चीज़ कर लेता हूँ पहले ना, ये वाली जो हमारी इसको क्या बोलते हैं, फोर्क लिफ्ट जो भी है ये अपनी, इसमें बैठते हैं अपन यहाँ पर। और मेरे को ना यहाँ पे जितनी भी मिट्टी विट्टी है ना भाई, इधर का तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो रुक जाओ एक सेकंड यार, वो हमने गैस की फ्यूल कैन कहाँ रख दी भाई? मेरे को एक्चुअली याद नहीं है। अच्छा आई थिंक मेरे बैग में रखी हुई शायद से। रुक जाओ ज़रा, यहाँ पर ना जितनी मिट्टी विट्टी हो रखी है ना भाई पार्किंग वाले जगह से, मैं क्लीन कर देता हूँ, क्योंकि यार वो क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये लोग ना वहाँ पर आके ना ऐसे अटक जाएंगे भाई, इसलिए ठीक है। तो भाई यहाँ पर मेरे को एक और पार्किंग वाला अनलॉक करना है, तो उसके लिए मेरे को मिट्टी साफ़ करनी पड़ेगी पहले। यहाँ से उतरते हैं और इस मिट्टी को ओपन कर लेते हैं भाई साफ, ठीक है? चलो LMB2 pick। भाई बहुत ज़्यादा ही मिट्टी हो रखी है यहाँ पे, जो सैंडस्टॉर्म आता है ना भाई, बहुत खतरनाक वाला आता है वो।
चलो अभी यहाँ चलते हैं और इसको अपन डाल कर आते हैं उस वाले, क्या बोलते हैं इसको, इसका जो डंप यार्ड है वहाँ पर। पुलिस वाले आए हुए हैं भाई, हेलो। एक सेकंड, एक ट्रक आया हुआ भाई, मेरे को ना कस्टमर्स को भी संभालना पड़ेगा। यहाँ पे सैंड डिस्पोजल है और इसको मैं कर देता हूँ ड्रॉप। ये बढ़िया है भाई, ये वाली जगह सही है। यहाँ पे ना अनलिमिटेड अपन सैंड जो है ना ड्रॉप कर सकते हैं। नो फ्यूल दिखा रहा है भैंस की, मेरे को पता था। अब मेरे को फ्यूल, अच्छा ठीक है, ये तो रहा जैरिकैन। भाई मैं भी ना पता नहीं क्या सोच रहा था इतनी देर से, रुको जरा इसके अंदर मैं प्लेस कर देता हूँ पहले तो। कुछ तो ग्लिच व्लिच हो गया क्या? अच्छा फुल हो गया, ठीक है ठीक है ठीक है। एक सेकंड रुको गाइस, ज़रा मैं काम कर लेता हूँ पहले ना, इनको ज़रा फ्यूल व्यूल भर दूँ इनके में मैं। लो अंकल जी बताओ कितना चाहिए। अच्छा ठीक है, चलो इसको मैं रिफिल कर देते हैं गाइस यहाँ पर, ईजी पीजी। $44 मिल चुके हैं भाई इसके, वेरी नाइस। यहाँ पर अभी दो कस्टमर आने वाले हैं भाई, ये तो बढ़िया चीज़ है, मतलब अच्छा खासा पैसा अपन अर्न करने वाले भाई अभी यहाँ पर। लेट्स गो यार। ओके ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मेरे को ना यहाँ की मिट्टी पहले क्लीन करनी पड़ेगी भाई, ये बहुत ज़रूरी है। इसको निकालते हैं वापस और ये रिफ़िल कर देते हैं भाई, इसको लगाते हैं यहाँ पर। रुको, हो गया, भर गया, भर जा भाई, ठीक है। चलो इसको मैंने रिफ़िल कर दिया है अभी यार, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा गलत सीन नहीं है भैंस की, चला एक एक चीज़ क्लीन करनी पड़ेगी भाई। चलो ठीक है, आराम से अपन जो है इसका काम तो कर लें, कोई दिक्कत नहीं है भाई इसके अंदर तो। यहाँ पर मैंने सारी की सारी जो सैंड थी ना उसको रिमूव कर दिया है, अभी मैं इससे फटाफट से उतरता हूँ। एंड कस्टमर एट गराज आ रखा है, कैश रजिस्टर पे दो कस्टमर है, और यहाँ पे जो अभी ना ये आ रखा है कि बस कस्टमर जो अपने को थोड़े बहुत वो करने पड़ेंगे उनको, लाइक जो उनको सर्व करना पड़ेगा, तो उससे ना मेरे को यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, अ क्लाइंट इन्फ्लक्स इज अ डबल एज्ड स्वॉर्ड, ट्राई टू मैक्सिमाइज एज मच गेन एज यू कैन। तो मतलब मेरे को ना अच्छा खासा प्रॉफिट होने वाला है अभी, पता है क्या, यहाँ चलते हैं, रुक जाओ ज़रा एक सेकंड, रुको ज़रा इसका ना चेक वेक कर लेते हैं सारी चीज़ें भाई। ये ले आंटी जी, और कितना चाहिए? 3 स्कैन, फर्स्ट कस्टमर। यार मेरे ना अचीवमेंट में कुछ तो ग्लिच वाले चल रहा है, पता नहीं क्या हो जाता है बार बार, साला इसमें पता नहीं ये हट जाता है बार बार, दोबारा मेरे को देखना पड़ता है, पता नहीं क्या दिक्कत है। चलो यहाँ पर इसका भी हो गया, चलो अंकल जी नाइस, लेट्स गो, बाय बाय। टिप भी दिया भाई इसने, ठीक है अंकल जी जाओ, मेरे को क्या घूर रहे हो, हाँ साढ़ा ये फिर से आ गया ना इसके ऐसे तैसे, कहाँ गया ये साला, कुछ ना कुछ पेंट कर रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं करने देते अभी फिलहाल तो, क्योंकि यार मेरे को ना अभी दोबारा रिपेंट करना ही पड़ेगा इसलिए। सो अभी तो कोई मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ उसको, जाने दो साले को, बाद में बताऊँगा उसके ऐसे कैसे करूँगा साढ़े को रुझा भी। चलो भाई हो गया तुम्हारा काम, एक बार ना ये भी देख लेता हूँ कि हमारे यहाँ पर स्टेशन में फ्यूल वगैरह भरा है कि नहीं। ये रिस्टोर, अच्छा कार वॉश रिस्टोर करने का ही है, एक सेकंड रुक जाओ, मैनेजमेंट में भी अपन चीज़ें चेक कर सकते हैं। यहाँ पे पार्किंग स्पॉट मेरे को अनलॉक करना है, रुको ज़रा फीचर्स में जाते हैं, मेरे को एक और पार्किंग अनलॉक करनी है यहाँ पे। $399 का है, ठीक है मैंने कर लिया है, क्योंकि यार मैंने इतनी मेहनत से करके जो है ना यहाँ पे पूरी मिट्टी विट्टी हटाई है, चलना वो फिर से लग जाएगी, फिर मेरे को क्लीन करना पड़ेगा इसलिए। ओके सर रुक जाओ ज़रा, एक बार देख लेते हैं, डेकोरेशन में है, लैंडमार्क्स हैं, पार्ट्स प्रोडक्ट्स फ्यूल सप्लाई। हाँ तो फ्यूल में कितना फ्यूल है अभी हमारे इसके अंदर, मैं देख लेता हूँ, रुक जाओ। तो एक सेकेंड, फ्यूल है ही नहीं क्या? $500 अमाउंट प्राइस, ठीक है सिर्फ इतना ही आएगा। द ऑर्डर हैज़ बिन रिड्यूस टू मैच द, ओके ओके ठीक है। सो मैं यहाँ पे ऑर्डर कर देता हूँ, $208 का ही हो गया। आ जा भैया, आ जा आ जा, रुक जाओ इसको अपन क्लीन कर देते फटाफट से। ओए 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 भाई, अभी सामान गिर जाता नीचे, एक सेकंड, आ जा भाई। $10 दिए सिर्फ, हैं इसके यहाँ किसकी हैं, सिर्फ $10 भाई, $10 में क्या होगा यार। चलो यहाँ पे एक वैन आई हुई है, जरा इसको भी मैं फटाफट से कर देता हूँ, जल्दी उतरो मैडम जी जल्दी उतरो, अरे जल्दी उतर जा। हाँ तो यहाँ पर, अच्छा ठीक है, नीचे लिखा हुआ है यहाँ पे फ्यूल अमाउंट कितना है, 95.8 लीटर है अभी हमारे पास में। अरे उतर जाना जल्दी, नाटक ये कर रही है। ओके सो यहाँ पर अपन इसको भी रिफिल कर देते हैं, $48। मेरे को सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है ना वो फ्यूल डिस्पेंसर से ही होता है अगर देखा जाए तो, है ना। ये क्या करने आई है भाई यहाँ पर, अच्छा ओके ठीक है ठीक है। ओके फ्यूल डिस्पेंसर वाली गाड़ी आ चुकी है, रुक जाओ ज़रा। हाँ भाई बता, अरे जल्दी खड़े हो जाए, क्रिसमस की टोपी क्यों पहन कर आ रहा अभी से ही। ले भाई ले, इसमें भी फ्यूल भर देता हूँ, 13 लीटर भरना है, ठीक है $42 मिल गए, ठीक है। कस्टमर एट गराज, यार गराज का भी मेरे को हैंडल करना पड़ेगा ना, ये थोड़ा सीन है भाई, रुक जाओ। वैसे गराज से अच्छा खासा पैसा मिलता है, लेकिन खर्चा भी उतना ही होता है मेरा वहाँ पे, सब कुछ मैनेज करते हुए चलना पड़ेगा भाई। $6, ठीक है। एक और आया हुआ है मेरे को ना, रुक जाओ इस कूड़े वाले को बुलाता हूँ, रुक जाओ ज़रा, अपन को जाने का। अबे कहाँ जा रहा है भाई, एक सेकंड रुको, डिलीवरी में चल, किस में था यार, सर्विसेज में था ना, गारबेज कलेक्शन ऑर्डर, ठीक है। चलो ये गारबेज कलेक्टर आ जाएगा तब तक, ये ऑटोमेटिकली कर देगा, मेरे को करना पड़ेगा शायद से, रुको लगा भाई पाइप लगा, हो गया, हो तो जाना चाहिए मेरे हिसाब से, या हो रहा है हो रहा है। अरे ठीक है, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, फ्यूल डिलीवरी
फ्यूल डिलीवरी नेक्स्ट टू स्टेशन, एक सेकंड रुको, तो घुमा तो दिया मैंने इसको, हो गया हो गया हो गया, डिलीवर हो गया डिलीवर हो गया, रुक जाओ गराज में, रुक जाओ इसका करने दो, क्या दिक्कत है भाई बता। अगर अपन देखे तो भाई इसको दरवाजे ख़राब है, टायर लगेंगे नए नए, भैंस के यहाँ किसकी पता नहीं क्या कबाड़ करके आए हुए हैं भाई ये लोग। रुक जाओ गाइस, इसके पहले मेरे को ना नीड स्क्रैच रिमूवर, एक सेकंड रुको, कहाँ रख दिए भाई सारा सामान वगैरह। तो स्क्रैच रिमूवर तो ये रहा, इसको उठाने का है, और नहीं इसको इससे कोई काम नहीं, इसको हटा भाई, एक तो यहाँ लगाना है यहाँ पे स्क्रैच रिमूवल चालत की भैंस के यहाँ, अच्छे से पेंट कर दे भाई इसको, ठीक है इधर का हो गया, यहाँ पे भी स्क्रैच रिमूवर चाहिए है, ठीक है इसको लगा यहाँ पे, इसको भी जल्दी जल्दी कर दे, हटा दे भाई, अरे बड़ा टाइम लगा रहा है इसमें तो, है ना। चलो ठीक है ये हो गया, अभी मेरे को टायर का भी देखना है, नीड व्हील टू स्टार्ट फिक्सिंग, ओके ठीक है मेरे को टायर निकालना पड़ेगा यहाँ से। आई थिंक इसके अच्छा खासे पैसे मेरे को मिलने वाले हैं, इसीलिए जो है ना, समझ रहे हो गाइस, इसलिए मैं काम कर रहा हूँ भाई, नहीं तो मैं नहीं करता। रुक जाओ, अगर मैंने एम्प्लॉयज़ वगैरह हायर कर दिया ना फिर अपना काम थोड़ा ईजी हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है। ओके यहाँ पर मेरा पॉपुलैरिटी लेवल अब जो है हो चुका है, लेवल 4 हो चुका है, वेरी नाइस, मतलब अभी जो है कस्टमर्स वगैरह और भी ज़्यादा आने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। चलो चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया, हटो वे जल्दी हटाओ उसको। ओके सो मैंने आई थिंक गाड़ी को पूरा क्लीन तो कर दिया है, देखा जाए तो टायर वगैरह हो गया, यहाँ पे मेरे को कांच चेंज करने पड़ेंगे इसके, रुक जाओ यहाँ से, ये साला गिरता क्यों नीचे, एक तो पता नहीं क्या सीन है, बट एक सेकंड रुक जाओ गाइस, कुछ तो दिक्कत हो रही है भाई यहाँ पे, एंड यहाँ पे लग जाएगा नया कांच, अच्छा गिरता नहीं है वो, ओके ओके मैं पिक कर लेता हूँ उसको, ठीक है इसको ओपन को लगाने का, यहाँ पर इसको कर देते हैं रिमूव पहले तो टूटे हुए को, और ये लगा दिया नया वाला, ठीक है चलो वेरी नाइस। $660 मिले हैं भाई मेरे को इसके, देख रहे हो $660। अगर अभी ना एम्प्लॉयज़ वगैरह आ गए ना भाई तो मैं काम करूँगा, एम्प्लॉय की वैन, अबे वैन कहाँ चली गई, एम्प्लॉय वाली आनी तो चाहिए थी, एक सेकंड रुक जाओ यार, एक तो ना वो नहीं ये तो कोई और कस्टमर्स है यार, वो वाले बस वाले कस्टमर्स नहीं आ रहे पता नहीं क्यों, मेरे को लगा था कि आ जाएंगे, अभी तक तो आए नहीं यार वो, ठीक है चलो निकलो निकलो, ये छोटी सी टोपी पहन कर आया भाई ये ठीक है भाई, छोटी सी टोपी पहन कर आ रहे हैं, ले भाई ये लगा ले, ये ले तेरा जूस ले, जूस भी ले जा भाई, सब ले जाओ चलो, सिर्फ $12 भाई, ऐसे थोड़ी होता है भाई सिर्फ $12, ये देखो चमकती हुई टोपी लेकर आया, और भाई माइक क्या ले ब्रो, चलो इसका भी मैं सामान दे देता हूँ फटाफट से, ये ले जा भाई, जूस ले जा, कोला ले जा, जूस ले जा, कोला ले जा, लच को $12 सिर्फ भाई, कुछ खास पैसा नहीं मिल रहा है ऐसा देखा जाए तो इससे। कस्टमर एट फ्यूल, अरे रुक जाओ भाई फ्यूल पे भी कस्टमर आ रखे हैं, डोंट टेल मी, रुक जाओ अभी तो कोई कस्टमर वगैरह नहीं आ रहा है, रुक जाओ एक सेकंड जरा, वर्कशॉप पे कोई नहीं आ रहा विच इज़ वेरी नाइस, रुक जाओ यहाँ पे इनको तेल भी भरवाना है भाई, कितना काम है भाई अपने को यहाँ पर यार, ले भाई हो गया तेरा काम भी, ये ले भाई तेरी गाड़ी का भी मैं रिफिल कर देता हूँ यहाँ पर, लेट्स गो एंड चलो भाई चले जाओ, $57 मिले हैं भाई मेरे को इसके, वेरी नाइस। ओके सो यहाँ पर काफ़ी ही कस्टमर्स आ रहे हैं भाई, ज़रा इनकी भी अपन यू नो सामान वगैरह ले लेते हैं इनका भी, लेट्स गो, अरे क्या हो गया कुछ तो गलत टिक हुआ, ओह बेबी आई डोंट थिंक सो, अरे मैंने क्या कर दिया भाई, सामान चेक करके तो डाला उसमें, ये क्या मजाक था भाई, एक सेकंड गाइस ज़रा इसका भी सामान चेक कर लूँ मैं पूरा एकदम अच्छे से भाई, ले जा तू 34 यार, एक ना स्कैन नहीं हुआ पता है उससे ना थोड़ी दिक्कत हो गई भाई, चलो चलो जाओ भाई, काफ़ी सारे कस्टमर्स आए जा रहे हैं भाई यहाँ पर, ले भाई तू भी निकल, चलो गोली हो, चल गोली हो निकल, अरे बस वाले कस्टमर क्यों नहीं आ रहे, मैं तो उनका वेट कर रहा हूँ भाई ताकि उनको सर्व कर सकूँ मैं, क्योंकि भाई उनसे मेरे को काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट होने वाला है ना इसलिए, हाँ चल चल निकल निकल भाई, कैसे से कस्टमर है यार यहाँ के, awesome, let's go, चलो आंटी जी निकलो छोटे छोटे से टोपे वोपे पहन कर आ रहे हैं भाई ये, एक सेकंड गराज, अरे यार गराज पे भी आ गए ना, एक मिनट रुको गाइस, क्या मैं एम्प्लॉय वगैरह हायर कर सकता हूँ अभी से, लेट मी चेक, फीचर्स शेल्व्स तो नहीं ख़रीदने मेरे को अभी, एम्प्लॉय अभी हायर नहीं कर सकता ना मैं, ये दिक्कत होने वाली है। यहाँ पे गैस स्टेशन तो level 3 का हो गया, वर्कशॉप भी मेरे को अपग्रेड कर लेनी चाहिए है, ओके तो ये एक सेकेंड थोड़ी दिक्कत होने वाली है मेरे को लग रहा है, ये वेयर हाउस का अपन एक काम करते हैं, इसको इंक्रीज कर लेते हैं अपन, ठीक है इसको लेवल अप कर लेता हूँ मैं वेयर हाउस को, वेयर हाउस का गैस स्टेशन, वेयर हाउस level 3
तो ये है वेयर हाउस और ये है वर्कशॉप, ठीक है। तो ये भाई थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कर रखा है इन लोगों ने सारा काम ना। यहाँ पर हो चुका है वेयर हाउस लेवल, अब हमारा लेवल 2 का, विच इज़ वेरी नाइस यहाँ पे, क्योंकि अभी ना काफ़ी ज़्यादा सामान जो है ना बस स्टोर कर पाएंगे इसलिए। चलो भाई बताओ भाई क्या चाहिए तुमको, ट्रैश फुल हो रखा है, रुको जरा इसको भी क्लीन करना पड़ेगा भाई अपने को भी। चलो निकलो, रुक जाओ भाई गंदी बदबू हो रही है तो कती, एक सेकंड रुक जाओ इसको क्लीन कर देता हूँ। यहाँ पे जो कूड़ा पड़ा हुआ है इसको भी क्लीन कर लेते हैं, इसको भी कर देता हूँ, इसको उठाते हैं। अरे भाई ये क्या मजाक है, एक सेकंड रुको इसको अपन फेंक देते हैं इसमें, एंड इस वाले को भी उठाते हैं, इसको भी फेंक देते हैं इसमें। और अभी मेरे को ना क्लीनिंग करनी पड़ेगी भाई, यहाँ पे देख रहे हो कितने ज़्यादा फुटस्टेप्स हो चुके हैं इनके भाई। चलो ये क्लीन कर देते हैं, वेरी नाइस, इजी पीजी, लेट्स गो। चलो ये भी चमक गया पूरा भाई। ये भूत कौन है, गाने वाने बजाने के लिए आता है भाई ये तो। हाँ दीदी बताओ क्या चाहिए तुमको। अरे एक सेकंड रुको गाइस, एक और एक काम करना है मेरे को, रुको जरा गैराज में तो यार अभी रुक जाओ अभी ना, एक काम करते हैं अपन, मैं ना रुक जाओ एक सेकंड जरा, अपना ना जो गैस स्टेशन है ना उसको मैं बंद करने जा रहा हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है। और क्यों बंद कर रहा हूँ उसका रीज़न मैं बताता हूँ, रुक जाओ, क्योंकि मेरे को ना अपने गैस स्टेशन को ना थोड़ा अच्छा खासा चमकाना है भाई, इसकी हालत काफ़ी ही ज़्यादा बुरी हो रखी है अभी इसलिए। एंड वो बस वाले जो लोग हैं ना वो तो आ नहीं रहे भाई, इसलिए रुक जाओ एक सेकंड जरा, अपन इसमें चलते हैं और बस वाले आ जाते हैं ना तो बढ़िया काम हो जाता है। लेकिन ये हैमर किस चीज़ का मेरे को वो समझ नहीं आ, मैंने गलती से पैसे बर्बाद कर दिए अपने, वेरी नाइस। ये क्या काम करता है मेरे को ये बताओ पहले तो। ओ अच्छा अपन यहाँ पे ये सारी चीज़ें भाई, ये तो काफ़ी बढ़िया है यार। अच्छा इसको टेक्सचर चेंज कर सकते हैं अपन नीचे का, तो एक काम करते हैं ये वुड वाली टाइल्स लगाऊँ क्या मैं, आई थिंक ये बढ़िया है। $100 का लगा भाई साहब, पैसा खर्च हो गया मेरा तो। पीपी कौन बजा रहा है भाई, एक तो पता नहीं कौन पीपी बजा रहा है यहाँ पर, कौन है तुम्हारी ऐसी कितने सालो। यू हैव गॉट अ न्यू मेल, रुको जरा मेल चेक करना तो मेरे को। तो इस मेल पढ़ने के बाद में मेरे को पता लगा है कि ना अभी जो बस आने वाली है ना उसमें 30 कस्टमर्स आने वाले हैं, ठीक है 30 कस्टमर्स, तो बहुत ज़्यादा भसड़ मचने वाली है अभी तो इसके लिए। अबे क्या आवाज़ आ रही है भाई, कुछ तो सीन होने वाला है। मैंने काम कर दूंगा इस फटाफट जाता हूँ और मेरे को ना सामान मंगाने पड़ेंगे बहुत सारे, क्योंकि भाई सॉफ्ट ड्रिंक्स और स्नैक्स की बहुत कमी हो रखी है अभी इसलिए, तो सस्ते प्राइस वाले जो है ना भाई उनको ऑर्डर कर देता हूँ। रुक जाओ इन स्टॉक में वैसे 4 रखे हुए, अरे मेरे पास स्टॉक रखा हुआ है क्या इनका। अच्छा वहाँ पर रखी हुई जो चीज़ें रखी हुई ना उसके बारे में बता रहा शायद से, है ना यार काफ़ी महंगी नहीं है लेकिन ये देखा जाए तो। 10 मंगा लेता हूँ ठीक है, और स्नैक्स मंगा लेता हूँ मैं थोड़े बहुत, ये जो ये थोड़े हैं नहीं हमारे पास तो ये मंगा लेता हूँ। और सबसे सस्ता क्या मिल रहा है, चिप्स वे, ठीक है ये भी मंगा लेते हैं ठीक है। चलो ऑर्डर कर देते हैं, $1600 हेलो, बहुत ज़्यादा है भाई, 5 मंगा लेता हूँ आई थिंक इनफ रहेगा। ये भी $927 भाई, इतना तो स्पेस भी नहीं आई थिंक मेरे यहाँ पे ना शायद रखने की चीज़ों को। रुक जाओ एक में वैसे 10 आती है शायद से, और $500 ठीक है, इतना सामान बहुत इनसफिशियंट है अबे तुम्हारी भैंस की, मेरे को तो आई थिंक मेरे को और कम करना पड़ेगा, इतना सामान बहुत है भाई ठीक है। चलो ऑर्डर कर दिया मैंने, लेट्स गो। ये गाना बजाने वाला क्यों आ रहा है फालतू में इधर, ले भाई तुम्हें एक सेकंड रुको जरा इसको उतरने दो पहले तो भाई, जल्दी उतर जा भाई, कितना टाइम लगा रहा है, क्या करने लगा रहा है भाई। चलो यहाँ पर जो है इसका तेल भी अपन भर देते हैं इसके अंदर, चलो भाई तेरा काम हो गया निकल। कस्टमर्स काफ़ी कम आते हैं रात के टाइम पर देखा जाए तो, है ना। अभी वेयर हाउस वाला भी वो आ रहा है सामान वगैरह लेकर, तब तक ना अपन एक काम करते हैं गाइस, थोड़ी बहुत जो है इसको हमारा ये जो है ना इसको थोड़ा पेंट वेंट करते हैं, बढ़िया बनाएंगे इसको ठीक है। मैं पेंट सेलेक्ट करने का नहीं दिखाया इन लोगों ने, तो वाइट कलर का ही हो रहा है सिर्फ, ये तो गलत बात है भाई। आई थिंक वैसे वाइट में बढ़िया लगेगा मेरे हिसाब से देखा जाए तो, बाकी तो एक येल्लो कलर का मैं करना चाहूँगा अगर येल्लो में बढ़िया लगेगा तो। रुको एक बार येल्लो ट्राई करते हैं ठीक है, अगर येल्लो बढ़िया लगेगा तो इसको येल्लो में कर देंगे अपन। भाई पेंट तो काफ़ी बढ़िया तरीके से होता है इसके अंदर देखा जाए तो ना, आई थिंक नहीं यार येल्लो नहीं, आई थिंक वाइट में ही ठीक रहेगा मेरे हिसाब से। चलो वाइट कलर का पेंट करते हैं इसको ठीक है। ओके सो बॉयज़ यहाँ पर भाई पेंट करते करते काफ़ी टाइम लग चुका है और आई थिंक इतना कुछ खास लग नहीं रहा वैसे पेंट करने के बाद में भी, पता है क्या लाइक ठीक ठाक है वाइट में, इट्स लुकिंग बेटर आई थिंक, पहले से तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है देखा जाए, लेकिन अंदर भी मेरे को आई थिंक पेंट करना पड़ेगा इसको दोबारा से। और यहाँ पर भाई देख रहे हो कितने ज़्यादा कस्टमर्स आ चुके हैं,
कस्टमर्स की भसड़ हो चुकी है यहाँ पर। एक सेकंड रुक जाओ गाइस, इनका ना पूरा सामान वगैरह मैनेज कर लेते अच्छे से। भाई पैसा कमाना बहुत ज़्यादा मेरे को भी, क्योंकि मेरे पास सिर्फ $313 बचे हैं सिर्फ मेरे पास। हेलो भाई, इतने सारे थे तो मेरे पास भाई सारे पैसे बर्बाद कर दिए मैंने अपग्रेड्स वगैरह में यार। चला प्रोडक्ट वगैरह भी बड़े महंगे महंगे मिलते हैं यार, इसके अंदर पैसे बहुत कमाने पड़ेंगे अपने को। इसमें पता है क्या, बहुत टाइम लगेगा ग्राइंड करने में समय, बट कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई आने तो। चलो एक सामान लेने के लिए मेरे शॉप में आए हैं, चलो जाए वहाँ से। चलो अंकल जी बताओ क्या हाल है, क्या चाहिए तुमको बोलो। चलो भाई ये भी हो लिया, $5 मिले हैं इसके सिर्फ अपने को, $5 मिले सिर्फ। यार ये लोग आते हैं ना अगर मेरी शॉप में तो भाई कुछ ढंग का सामान लेके जाना चाहिए इनको, ज़्यादा सामान लेके जाना चाहिए पता है क्या। सिर्फ $5 के सामान के लिए ये लोग यहाँ पर आते हैं ना भाई, बुरा लगता है मेरे को भाई कसम से यार। चलो अंकल जी बताओ क्या चाहिए, जूस चाहिए तुमको और छाला। एक सेकेंड, इतने प्रोडक्ट है, 4 प्रोडक्ट लेकर आया। ठीक है चलो अंकल जी जाओ, तुम्हारा काम हो गया। साले एक तो इतना कूड़ा वूड़ा करके जाते हैं ना भाई, सब कुछ देखना पड़ेगा यार। एक बार ना एम्प्लॉयज़ वगैरह अपन हायर कर लेना, फिर तो अपना गेम ईजी हो जाएगा पता है क्या। साला इनके ना ये खुद करना मैनेज करना ना बहुत टफ है भाई, इतना कुछ मैनेज करना है भाई। देखो मेरे को यहाँ पे फ्यूल भी भरना है, ठीक है अपना स्टोर भी हैंडल करना है, उसके बाद अपने को वेयर हाउस जो है हमारा वर्क हाउस है, आई मीन क्या बोलते हैं जो भी था वर्कशॉप था उसको मैनेज करना है भाई जाके। चलो तेल भी, और उसके बाद ऑर्डर भी देना है, और उसी के साथ जो है रुक जाओ इसको मैं करता हूँ आके, कचरा बहुत हो रखा है। वैसे सामान बचा नहीं है मेरे पास, तो कोई मतलब है नहीं उसको बुलाने का। रुक जा बेटे रुक जा, एक काम करता हूँ ना मैं टैब में अपने टैबलेट वेट यार, टैबलेट चाहिए मेरे को ना, टैबलेट अनलॉक करना पड़ेगा। रुको रुक जा भाई रुक जा, कर रहा हूँ क्या, पी पी बजाया जा रहा है, पी 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 करे जा रहा है साला। अबे इतना कचरा कहाँ से आ गया, साफ तो किया था मैंने इसको, level 2 खड़ा है इसलिए हो गया क्या वापिस। अबे यार रुक जाओ गाइस, ज़रा इन सारे सामान को ना वापस अपन इसके अंदर फिट कर देते हैं। काफ़ी सारा मैंने जो है स्टॉक मंगा लिया है सामानों का, आई थिंक अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा इसका मेरे को वैसे देखा जाए तो। लेट्स सी, बोलिया भाई चल निकल निकल चल दे निकल, और ये कूड़ा भी फेंकना पड़ेगा यार। अबे ये बंद क्यों नहीं हुआ, हो गया वही सोचूं बंद कैसे नहीं हुआ भाई वो। चलो इसको मैं वापस बंद कर देता हूँ, आई थिंक सामान वगैरह तो मेरे पे काफ़ी सारा स्टॉक खा चुका है अभी कस्टमर गैराज। अबे रुक जाओ सालो, पहले इसको मैं रिफ़िल कर देता हूँ, रुक जाओ ज़रा प्लेस होल्ड कर देते हैं भाई इसमें, और इसमें मैं प्लेस होल्ड कर देता हूँ। अरे यार मैंने गलती कर दी पता है क्या, सारा सेम ही सामान रख दिया यार मैंने, दिक्कत हो गई भाई दिक्कत होगी। हाँ भाई बताओ क्या चाहिए तुमको, $415 है मेरे पास सिर्फ भाई, सिर्फ $415, कुछ नहीं होता $415 में भाई, इतना बड़ा स्टोर मैनेज कर रहा हूँ मैं अपना यहाँ पे। आई सी वेर तेरी मैं क्या चले जा, सारे कचरा करने वाले भी तुम ही लोग, बकवास में मेरे को पेल रहे हो तुम, है ये सही है भाई, इनका कचरा भी खुद फैला है बकवास मेरे को पेल रहे हैं भाई। ठीक है बढ़िया भाई बढ़िया, इसको निकाला भाई तू पहले तो, चला इतना कूड़ा कर रखा ना इन लोगों ने, फिर बचते भी मेरे पास में ही आके हैं भाई ये लोग। रुक जाओ से इसको क्लीन करते हैं फटाफट से, यो ये हो गया ठीक है, चमका दिया है मेरे को ना। काफ़ी सारे शेल्स वगैरह भी और ख़रीदने पड़ेंगे ठीक है यार, वो बस वाले कस्टमर नहीं आ रहे, मैं तो उनका वेट कर रहा हूँ भाई। क्या मेरे को बस स्टॉप पर जाना पड़ेगा किसके लिए, एक मिनट रुको गाइस, यहाँ पे कुछ होता है क्या करने को, बस स्टॉप तो दिखा रहा है लेकिन यहाँ कुछ है नहीं देखा जाए तो, कूड़ा वूड़ा भी नहीं है यहाँ तो, कुछ करना है कैसे कहाँ पे, यूज़ यू कॉन्ट यूज़ योर हैमर व्हेन द स्टेशन इज़ ओपन्ड। अच्छा तो यहाँ पर कुछ करना तो है नहीं, साला बस स्टॉप किस बात का हुआ भाई ये कसम से भाई। रुक जा भाई, 16 लीटर भरने दो यहाँ पे तेल, 16 लीटर का ही भाई $50 तो आराम से मिल जाता है यहाँ पे अपने को। चलो इसको भी भर देते हैं, बस ना अपना एम्प्लॉयज वाला सीन अनलॉक हो जाए उसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं है। $19.63 भाई साहब, एक सेकंड, $19 का $63 भाई, पैसा बहुत है भाई इसके अंदर। लेकिन बताओ भाई क्या चाहिए तुमको, ये लो भाई चिप्स लो तुम ले जाओ। चलो ये भी चिप्स ही है ना शायद से, हाँ चिप्स ही है मे बी। चलो भाई तुम्हारा $15 निकल, तू क्या पहले एक बात बता, तू घर से कूड़ा लेकर आई है यहाँ पे फेंकने के लिए है, उसके बाद सामान लेने जा रही है तू है, बहुत मारूंगा तेरे को, चले जा यहाँ से। चलो सामान अभी देखना, एक दो सामान लेने के लिए आई है, मैं गारंटी देके कह सकता हूँ सारी चीज़ें, 2-3 सामान लेने आई होगी पक्का, और देख लेना 2-3 ही होंगे। ये बस हो गया, ये साले पता नहीं कहाँ घर से कूड़ा लेकर आते हैं फेंकने के लिए भाई, कसम से मैं दाग सट के यार। मेरे को ना एक बार गाइस मेरे को ना कमेंट करके बताना ठीक है, कि अपना जो ये हमारा गैस स्टेशन है इसको अपन कौन से कलर का पेंट करें ठीक है, इसको मैं अच्छा खासा पेंट करना चाहता हूँ यार, मस्त बनाऊँगा मतलब। इसमें ना थीम बताना मेरे को, ब्लैक वाइट
या फिर येलो वाइट, ऐसा कुछ थीम बताना बढ़िया सा, ठीक है? येलो वाइट कह रहा हूँ, येलो ब्लैक, इस तरह का कुछ बढ़िया सा। एक बार रुको, अंदर से भी पेंट, अंदर से भी करना पड़ेगा ना शायद से, या अंदर से भी करना पड़ेगा यार। वो साला पता है इसमें प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी पंगा तो ये है ना कि ये ऑटोमेटिकली ना लाइक धीरे धीरे करके जैसे दिन कटते जाते हैं ना इसके अंदर, वैसे वैसे ये गंदा भी होता जाता है वापस से, पता है क्या? ये थोड़ा फीचर मेरे को बढ़िया लगा, लेकिन दोबारा पेंट करना पड़ता है बार बार यार। चलो यहाँ पर जो है इसका ले जा भाई, तू ले जा, $40 दे मेरे को फटाफट से। ये ले भाई, तू जल्दी निकल। मेरे को कितना लेवल करना पड़ेगा एम्प्लॉयज़ वगैरह के लिए? रुको, शायद से मेरे को ना वैन वगैरह अनलॉक करनी पड़ेगी। यहाँ चलते हैं फीचर्स में, अंदर में चलते हैं। रुको, ये पार्किंग हो गया, ये टॉयलेट हो गया, और ये तो फ्यूल डिस्पेंसर हो गया, ठीक है, और ये बस स्टॉप हो गया, ठीक है। तो यहाँ तो कोई फीचर वगैरह है नहीं इसमें तो। डेकोरेशन फीचर, शेल्व्स हो गए, टूल्स में टूल्स हो गए। एक मिनट रुको, अगर मैं वर्कशॉप को मैंने अगर इसको अपग्रेड किया था तो यहाँ पे क्या है? एक सेकेंड रुको, एम्प्लॉय ट्रेलर, तो ट्रेलर तो मेरे को मिला ही नहीं ना, एम्प्लॉय का ट्रेलर कहाँ पर है भाई? मैनेजमेंट में तो इसको मैं बंद कर रहा हूँ, रिपेयर बेंच को पहले फ़िलहाल के लिए तो, ठीक है। और मेल, अबे तेरी भैंस क्या साले, रुक जा। अपग्रेड्स में जाएँ अगर तो मेरे को ना ये एम्प्लॉय ट्रेलर अनलॉक करना है, ठीक है, लेकिन ये साला पता नहीं कहाँ से अनलॉक होएगा। लेवल 4 में एम्प्लॉय ट्रेलर्स इंटू 2 एम्प्लॉय ट्रेलर्स, तो मतलब एक एम्प्लॉय तो मैं भी हायर करना चाहिए ना, लाइक कर सकता हूँ मे बी, बट वो दिखा क्यों नहीं रहा वहाँ पे मेरे को, वो नहीं समझ आ रहा। गार्बेज कलेक्शन, लोन, डिलीवरी, पार्ट्स, डेकोरेशन, कार्ड्स, ये क्या है बे? वो भैंस की यहाँ की तो बड़ी महंगी महंगी चीज़ है भाई यहाँ पे। ये पार्ट्स वगैरह डिलीवर करने का हो गया, लैंडमार्क्स में शायद से इसमें ख़रीदना है क्या यार? इसमें थोड़ी ना होगा यार वो। ओ भाई यहाँ तो काफ़ी कुछ है डेकोरेशन के लिए यार, काफ़ी बढ़िया बनने वाला है अपना गैस स्टेशन देखा जाए तो। फीचर्स में ही होना चाहिए था मेरे हिसाब से तो, बट आई डोंट सी इट। और यहाँ पे जो हैंड हेल्ड कंप्यूटर, तो भाई काफ़ी टाइम बाद खुलेगा यार, इसको कैसे करूँ मैं, मेरे को समझ नहीं आ रही चीज़। ये तो डी एल चीज़ है ना, अच्छा ये तो बाद में अनलॉक होंगे तो लास्ट में एकदम। यार इसका मैं क्या करूँ, इसको 450 में मैं कर सकता हूँ ऑयल एक्सचेंज, ऑयल एक्सचेंज। हेलो, इसको करें क्या फिर अपन? 450 का है, वर्कशॉप भी लेवल 2 का कर देते हैं गाइस, ठीक है। लेट्स अपग्रेड आर वर्कशॉप एज वेल। मुझे लग रहा है मैंने गलती कर दी, पता है क्या, अगर मैंने अभी करा है ना तो मेरे को ना पैसे भी कमाने पड़ेंगे भाई ऑफलाइन बैठ के, नहीं तो साला नेक्स्ट एपिसोड में काम नहीं कर पाऊँगा अच्छे से। ओके, टूल्स, मतलब मेरे को ना सिर्फ पैसा कमाना, दैट्स इट। शेल्व्स ठीक है यार, लेकिन थोड़ी दिक्कत है भाई इंटरएक्टिव में, क्या क्या है? रुको, बास्केटबॉल हो गया, बस यही है अभी फ़िलहाल के लिए तो, यही सिर्फ लगा सकता हूँ मैं। फीचर्स, डेकोरेशंस, मूवेबल्स तो अलग चीज़ हो गई। ये एम्प्लॉय का टैब भी गायब हो रखा है, मेरे को ये चीज़ बेकार लग रही है भाई, यहाँ पर टैब भी गायब करा हुआ है भाई इसका तो। चलो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। और ना वो वाली बस वाले जो कस्टमर्स हैं ना, वो भी नहीं आया भाई अभी तक, मेरे को लगा था भाई भसड़ आएगी उनकी तो मैं अच्छा खासा पैसा कमाऊँगा यहाँ पे, लाइन नहीं रहे भाई। आ जाओ आ जाओ, चलो चलो निकलो, वी डोंट नो, हाँ हाँ मुझे नहीं पता भाई। हाँ दीदी जी बताओ क्या चाहिए तुमको, बोलो भाई बोलो क्या चाहिए। 84, अच्छा मैंने इतने स्कैन करे हैं आज के दिन में, ये बता रही है। एवरेज स्कैन टाइम पर प्रोडक्ट 2.12 सेकंड्स, अच्छा। फ्यूल स्टेटस, भाई सब कुछ बता देता है, फ्यूल स्टेटस अभी लो है, मेरे को फ्यूल भी ऑर्डर करना पड़ेगा भाई, बहुत सीन है भाई, बहुत ज़्यादा सीन है। अरे क्या हो रहा है ये, इतना ख़राब हो गया क्या? चलो चलो, नाइस नाइस नाइस, लेट्स गो लेट्स गो, बढ़िया बढ़िया, चलो 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 चलो, गोली हो। हेलो अंकल जी नमस्ते, बताओ क्या चाहिए तुम्हें? एक प्रोडक्ट के लिए मत आया करो भाई मेरे शॉप में, मैं बंद कर दूंगा तुम्हारे लिए, नहीं तो एक काम नहीं कर सकता क्या मैं? क्या मैं अपना स्टोर बंद कर सकता हूँ इसमें? क्या कहते हो गाइस? अपग्रेड्स मैनेजमेंट, यार मैं ना अपना स्टोर बंद करना चाहता था ताकि यहाँ पे कोई आए ना भैंस क्या। अरे अंकल जी बताओ कितना कितना तेल भरूँ, बताऊँ कितना लीटर चाहिए? 17 लीटर, ठीक है ठीक है, भरता हूँ। गाड़ी में तेल खत्म, अबे यार मैं इसके डिस्पेंसर में तेल ख़त्म हो गया, 8 लीटर भरने को बोला है, ठीक है चलो इसका तो हो गया काम। फुल ट्रैश, अबे कितना कूड़ा करते हो यार, इनका कूड़ा ही साफ़ करते रहता हूँ भैंस के यहाँ। चलो निकलो, और यहाँ पे साफ़ सफाई भी कर देते हैं थोड़ी बहुत भाई।
चलो चलो निकलो, ला भाई तू भी ला। और कुछ कचरा है क्या यहाँ पे? पता नहीं क्या कर रखा है इसकी हालत। भाई बैंड बजा रखे इन लोगों ने, कूड़ा फेंकने के लिए आता है साले यहाँ पे। ये देखा इसको, इसने कुछ सामान नहीं खरीदा भाई, कूड़ा कूड़ा फेंकने के लिए आई है तेरी यहाँ से। चले जा यहाँ से तू, चल निकल निकल जा यहाँ से, कूड़ा फेंकने के लिए आई है, गोले हो जा यहाँ से। यही कर रही है कूड़ा, कहाँ गया भैंस की। एक सेकंड का इसको मैं फेंक देता हूँ। यार गजब लोग है भाई, सामान ना खरीद। अरे भाई वॉशरूम में लॉक हो गया क्या? ओ अच्छा, जो अनलॉक हुआ था ना ये गैस स्टेशन, अच्छा अपन ने जो लेवल अप किया था ना उसमें ये सब कुछ हुआ है गाइस। ठीक है, ये क्लीन व्लीन करना पड़ेगा, पेंट करना पड़ेगा इसको अपने को। चलो ये तो ठीक है, लेकिन मतलब काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया गैस स्टेशन अपने देखा जाए तो। ऊपर से भी अपन इसको भी पेंट कर सकते हैं यहाँ से, विच इज़ नाइस। लेट्स गो, लेवल लेवल थ्री का किया है ना अपन ने इसको अभी। कस्टमर एट फ्यूल, लेकिन साला फ्यूल ही तो नहीं है ना, तेल भरवाना पड़ेगा। रुको डिलीवरी में चलते हैं, फ्यूल सप्लाई एंड 200 लीटर का ही करना पड़ेगा मेरे को। चलो जितना पैसा है मेरे पास उतना कर देता हूँ रीसेट ऑर्डर। रुको 200 कर देता हूँ, नॉट इनफ मनी क्या कह रहा पागल है क्या? अच्छा ये बता रहा है कितना वो भाई। अच्छा 100 लीटर 280 का, भैंस क्या तुम्हारी, पैसा लूट रहा है भाई मेरे से। चलो तुम्हारा रेगुलर हूँ मैं यहाँ पे फ्यूल सप्लाई वगैरह ऑर्डर करने के लिए भाई। चलो सस्ते में देना चाहिए अपने। ओ भाई कितना सामान लेके जा रही है, $18। थैंक यू आंटी जी इतना सारा सामान ले जाने के लिए, भाई हमारा फ़ायदा करवाएंगे अभी देख लेना। चलो 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 अंकल जी आ जाओ जल्दी आ जाओ भैया। मत जी मेरी शॉप में पहले बता रहा तेरे को, थोड़ा एक सामान के लिए होता है यहाँ पे, भाई पैसे नहीं मिलते भाई अच्छे खासे। चलो भाई भसड़ में एकदम $10 लेट्स गो। चलो चलो ये तो कस्टमर्स तो आते जाते रहेंगे भाई, इनका भी तेल वेल का वो आ रहा है उसको मैं भरवा दूंगा। ठीक है वेल गाइज, आज अपन ने जो है हमारे यहाँ पर क्या है भाई बोल, तो लेवल अप तो कर दिया अपन ने हमारे गैस स्टेशन को, लेकिन ना बस स्टॉप जो लगाया है उसके अभी कस्टमर्स वगैरह आए नहीं हैं। अगर मैं ऑफलाइन ग्राइंड करता हूँ और अगर ये लोग आ जाते हैं तो मैं तुम लोग को नेक्स्ट एपिसोड में बता दूंगा। ठीक है, क्योंकि अपने को भी पैसों की ज़रूरत है यार, अभी मेरे पास सिर्फ $59 है, तो अपने को और भी काफ़ी सारे पैसे चाहिए रहेंगे इसलिए, समझ रहे हो। तो यार गाइस आज के इस एपिसोड को बस इतना रखते हैं, आई रियली होप यू ऑल एंजॉय दिस वीडियो। अगर मजा आता है नीचे लाइक का बटन दबा देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।